मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और व्हाट्सएप वेब के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपको बताएंगे दोस्तों जो व्हाट्सएप वेब का डेटा, जो चैट होता है, चैट हिस्ट्री जो आप ये देख पा रहे हैं दोस्तों इस तरीके से, ये पब्लिकली दिख रही होती है जब भी हम कहीं लॉगिन करते हैं। मान लीजिए आप कहीं ऑफिस में लॉगिन कर रहे हैं, सबके सामने लॉगिन कर रहे हैं और आप चाहते हैं, या फिर आप किसी सिस्टम से बार बार उठकर जाते हैं और आप चाहते हैं कि ये लॉग्ड हो जाए, तो दोस्तों गूगल क्रोम ने कुछ ऐसे एक्सटेंशन बनाए थे जिसमें ये मैसेजेस ब्लर हो जाया करते थे और ये सिर्फ आपको ही दिखते थे। अब आपको ऐसे किसी भी एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप ने ही यहाँ पर एक नया फीचर ऐड कर दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको इस वेब के सेटिंग्स पर आना है। सेटिंग्स पर जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्राइवेसी का ऑप्शन देख पा रहे हैं, ये आप यहाँ पर प्राइवेसी पर क्लिक करेंगे और दोस्तों प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद आप सबसे नीचे एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे स्क्रीन लॉक का, ये ऑप्शन देखिए, इसमें लिखा हुआ है रिक्वायर पासवर्ड टू अनलॉक व्हाट्सएप। आपको एक पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी अनलॉक करने के लिए, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है जब ये इनेबल कर देंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी पासवर्ड की व्हाट्सएप को अनलॉक करने के लिए। नोटिफिकेशन विल नॉट अपीयर व्हेन योर स्क्रीन इज लॉक्ड, अगर स्क्रीन लॉक रहेगी तो नोटिफिकेशन नहीं दिखेंगे। स्क्रीन लॉक विल बी टर्नड ऑफ व्हेन यू लॉग आउट, और स्क्रीन आपकी जो है टर्न ऑफ हो जाएगी जैसे ही आप लॉग आउट हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करने वाले हैं देखिए ये दो पासवर्ड आपसे मांग रहा है, और ये पासवर्ड जो है आपको पासवर्ड मस्ट बी 6 से 128 कैरेक्टर्स के अंदर होना चाहिए एंड मे ओनली कंटेन लेटर्स नंबर्स एंड कॉमन पंचुएशंस, ये इस तरीके से बता रहा है। मान लीजिए हम यहाँ पर कोई भी पासवर्ड बना लेते हैं, ये देखिए मैंने पासवर्ड बना लिया है, मैं एक बार फिर उसको यहाँ पर कन्फर्म की डाल देता हूँ और मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पासवर्ड डालेंगे, अब ये आपको कुछ और ऑप्शन देगा जिसमें ये बताएगा कि ऐसा आप कब करना चाहते हैं। स्क्रीन लॉक है 1 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है 15 मिनट पर सेव है दोस्तों, हम इसको मान लीजिए एक मिनट यहाँ पर कर देते हैं, 1 घंटा भी कर सकते हैं। तो 1 मिनट के बाद जो है आप इसको देखेंगे कि ये अब आपकी स्क्रीन जो है यहाँ से आपको लॉक मिलेगी। तो दोस्तों हमने यहाँ पर लॉक लगा दिया है, और लॉक लगाने के बाद अब आप जैसे ही दोबारा से यहाँ पर आएंगे तो ये जो है इसकी स्क्रीन को जो है दोस्तों लॉक कर देगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये इसलिए लगी क्योंकि ये क्योंकि व्हाट्सएप का ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनल डेटा है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको किसी भी सिक्योरिटी का इशू नहीं रहेगा। क्रोम में जो भी थर्ड पार्टी एक्सटेंशन होता था या क्रोम उसको वेरीफाइड करता था गूगल, तो उसमें कोई भी प्राइवेसी का इशू हो सकता था, लेकिन ये क्योंकि वेब व्हाट्सएप का खुद का है तो ये फीचर बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा काम आएगा दोस्तों। आप लोग भी जो निरंतर व्हाट्सएप वेब का इस्तेमाल करते हैं वो भी इसको इस्तेमाल से इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं, और सभी लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए।